मैंने कहा ना, मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। पापा, हम लोग अंदर आ जाए। क्या बात है अंश? क्या हुआ अंश? यहाँ आओ, बताओ क्या हुआ। पापा, ये टॉकिंग बैरेट आपने मुझे मुंबई में लेके दिया था ना, ये टॉकिंग बैरेट तो बात ही नहीं कर रहा, इसे चालू करके दीजिए ना। अंश, आपने ठीक से बैटरी नहीं लगाई होगी। ये लो, अब देखो। पोएम सिखाए इस तोते को? ओके, जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, यस पापा। ओहो, यस पापा नहीं है जी, नो पापा। गलत पोएम मत सिखाइए तोते को। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग अ लाई, नो पापा। ओपन योर माउथ, हा हा हा। चलिए यश जी, अब आपकी बारी, शुरू कीजिए। बस अंश। लेकिन पापा। अंश, आपको इस खिलौने से खेलने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं दूसरा खिलौना ले आऊंगा। लेकिन पापा। अंश, आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है? जाओ। दोस्ती का हाथ बढ़ाया था आपने यश जी, और अचानक इतना पराया कर दिया कि मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते। क्यों यश जी, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं पता। क्या हो गया? कहाँ जा रही हो तुम? याद नहीं तुम्हें? शूट चल रहा है मेरा, बस तैयार होके वहीं पे जा रही हूँ। परी, 3 दिन से शूट पे जा रही हो,
घर में इतनी टेंशन है, थोड़ा रुक नहीं सकती तो? या किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? फर्क पड़ता था प्रतीक, लेकिन अब नहीं। और हमेशा सबके बारे में मैं ही क्यों सोचूं? ये डबल स्टैंडर्ड, ये भेदभाव अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे प्रतीक। प्रतीक, आरती भाभी की खुशियों का ख्याल सबको है, लेकिन मेरा मेरा जैसे किसी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं। आरती भाभी नई नवेली बहू है तो क्या मैं नहीं हूँ? मुझे हर चीज के लिए भीख क्यों मांगनी पड़ती है प्रतीक? मम्मी जी ने आरती भाभी के लिए डायमंड नेकलेस बनाया, लेकिन मेरे बारे में किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि मुझे आरती भाभी की तरह सती सावित्री बनने का नाटक करने नहीं आता। प्रतीक, मेरे यहाँ होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर मैं शूट पे नहीं गई ना तो प्रोड्यूसर को बहुत नुकसान हो जाएगा, पूरा यूनिट मेरा वेट कर रहा है। और उस दिन तुम्हें बाबूजी ने समझाया था ना कि किसी और से तुलना, किसी और को ब्लेम करने से पहले अपने आप को देखो। अरे, आरती भाभी को भी इस घर में आने के बाद कितना कुछ सहना पड़ा था, कितनी कोशिशों के बाद वो सबके दिल में जगह बना पाई है, तब जाके उन्हें इतना प्यार मिला है। अरे, तुम मुझे बताओ कि सच्चे दिल से तुमने किसी के लिए क्या किया? गॉड, तुम मुझसे पूछ रहे हो प्रतीक कि मैंने क्या किया है? इतनी पढ़ी लिखी, रईस और मॉडर्न सोच रखने वाली फैमिली से हूँ, और मैं ही हूँ जो अब तक यहाँ पे टिकी हुई हूँ। गलती की मैं, जो तुम्हारी बात सुन के अपनी हाई प्रोफाइल आरजे की जॉब छोड़कर तुमसे शादी करके आ गई। तो रोका किसने? चली जाओ ना। हाँ तो जा रही हूँ, लेकिन शूट पर, क्योंकि इतनी आसानी से रिश्ता तोड़कर जाना फितरत में नहीं है मेरे। तुम रहो यहाँ अपने माँ बाबू जी के आज्ञाकारी बेटे बनकर। जा रही हूँ मैं। परिधि बहू, कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ मम्मी जी, और कहाँ? आज घर में तीज की पूजा है ना, रथ जगह भी है। जी मम्मी जी, जानती हूँ मैं, लेकिन मैंने सोचा कि यश भैया का इतना मूड खराब है और घर में इतना सब कुछ हुआ है तो आज पूजा नहीं होगी। बेकार की बातें मत करो, पूजा तो होगी। ये पूजा सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती है। यश और आरती में क्या हुआ है मैं नहीं जानती, पर आरती के भूल की सजा मैं अपनी दूसरी बहू को तो नहीं दे सकती। पूजा होगी, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे तय था, और तुम्हारा घर मिलना जरूरी है। जी मम्मी जी, लेकिन मेरा कॉलेज जाना भी बहुत जरूरी है। बहू, जैसे तुम बड़ों के सामने पल्लू लेना भूल गई हो, शायद ये भी भूल गई कि तुम अब ब्याहता हो, और एक ब्याहता के लिए अपने सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ से ही सब कुछ नहीं होता। मैं पूजा पाठ नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पति की परवाह नहीं करती, उनका भला नहीं चाहती। आप मेरे मॉम डैड को ही देख लीजिए, मेरी मॉम ने कभी पापा के लिए कोई व्रत नहीं रखा, लेकिन उन दोनों में आपस में इतना प्यार है, एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं वो लोग। बस अब तुम मुझसे बहस करोगी? कहना क्या चाहती हो तुम? ये पूजा पाठ सब ढकोसला है? हम अनपढ़ गंवार अनाड़ी हैं, इसलिए पूजा पाठ पे भरोसा करते हैं? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। चार किताबें क्या पढ़ ली तूने कि तू अपने आप को किसी और दुनिया का समझने लग गई है? तुम आजकल की लड़कियां अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती, इसलिए घर टूटते हैं, तलाक होते हैं। तुझे पूजा पाठ में भरोसा हो ना हो, लेकिन मुझे है, और इस घर में सिर्फ मेरी ही बात चलेगी। और आज मैं ये चाहती हूँ कि तू आज के दिन घर में ही रहेगी। एक दिन अगर कॉलेज नहीं जाएगी तो हवा चलना बंद नहीं हो जाएगी, समझी? मम्मी जी, मुझे प्लीज जाने दीजिए, आप कहेंगे तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैंने कहा ना, अंदर जाओ। जीजी सही कहती है, बहुओं को अगर सर पे चढ़ाएंगे तो वो नाक में दम कर देगी। चल मम्मी जी, मेरी बात तो सुन ली थी। मम्मी जी प्लीज मुझे जाने दीजिए,
मम्मी जी मैं शाम तक आ जाऊंगी। मम्मी जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। मम्मी जी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मम्मी जी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मम्मी जी मेरी बात सुन लीजिए। मम्मी जी मेरी बात सुनिए। हे भगवान, मेरी ऐसी तकदीर फूटी क्यों है जो मुझे ऐसी बहुएं मिली। एक वारती है, पता नहीं रही है कि उससे क्या भूल हुई है, और दूसरी ये परिधि मजाल है जो सीधे तरीके से कोई बात सुन ले। हे तीज माता, सब ठीक कर देना। मेरे बेटों की, मेरे परिवार की रक्षा करना। परिधि, ये बया है, इसे सास अपनी बहुओं को हर तीज पर देती है। चूड़ी और बिछुड़ी पहननी होती है अपनी पति का ध्यान करके, बस। मम्मी जी, मुझे भी बया दीजिए ना प्लीज। बया पाने की हकदार तुम तब बनोगी जब तुम हमें ये बताओगी कि तुमने यश के साथ ऐसा क्या किया है जो वो तुम्हें पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। अरे तुमने अपने पति की ऐसी दुर्दशा की है, उसके बाद ये पूजा के नाटक करने का क्या मतलब? अपने पति का दिल दुखाया है तुमने, वो भी तीज के दिन। तो क्या तीज माता कभी तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगी? जाओ यहां से। मेरे भगवान की कसम आरती, गले में मंगलसूत्र पहनने और मांग में सिंदूर लगाने से कुछ नहीं होता है जब तक कि तुम्हारा अपना पति तुम्हें पूरे मन से अपना ना माने, समझी? मैं पूजा करूंगी। जरूर करूंगी। एक सुहागन होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करूं, और मुझसे ये मेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। भले ही मुझसे मेरे पति इस समय नाराज है, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगी। बुआ जी, आरती भाभी को पूजा करने दीजिए ना। हाँ मम्मी जी। बुआ जी, आरती को भी करने दीजिए ना पूजा। ओहो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। प्रतीक बेटा, तुम्हारी प्यारी भाभी व्रत रख तो लेगी, लेकिन जब तक उसका पति अपने हाथों से पानी पिलाकर उसका व्रत नहीं खुलवाएगा, पूजा संपूर्ण नहीं होगी, और यश तो ऐसा करेगा नहीं। सही कहा ना मैंने? हाँ, अगर तुम यश को ला सकती हो तो
हम में से कोई नहीं रोकेगा तुम्हें पूजा करने से। बोलो, ला सकती हो यश को? चुप क्यों हो आरती? बोलो, क्या यश आएगा तुम्हारा व्रत खुलवाने के लिए? सब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यश जी के लिए ये मेरा पहला तीज का व्रत है और मैं ये पूजा करूंगी, जरूर करूंगी। मुझे अपने हाथों से थाली नहीं दे देती, मैं ये पूजा नहीं कर पाऊंगी मम्मी जी। सुहागन राव, रुकिए। कोई जरूरत नहीं है आपको व्रत रखने की। तीज का व्रत रखना मेरा अधिकार है, प्लीज मुझसे मेरा ये अधिकार मत छीनिए। तीज माता और मेरे बीच ये जो रिश्ता है उसे मुझे निभा लेने दीजिए यश जी, प्लीज। मम्मा भी पूजा में खड़े रहेंगे। ओम जय लक्ष्मी।
अगर यश जी के लिए मेरा प्यार सच्चा है और मेरे पत्नी धर्म में पूरी निष्ठा है तो ये पूजा संपन्न करने में हे तीज माता मेरी मदद कीजिए।